माँ के सस्ते छठे स्वरूप की आज मैं पूजा कर रही हूँ और दिया बना रही हूँ। जैसे 5 स्वरूप का मैंने माँ के पूजा कर ली है तो आज एक्स्ट्रा दिया बना रही हूँ। आज माँ के छठे स्वरूप की पूजा करूंगी और एक दिया बना रही हूँ मेरे हनुमान जी के लिए। और मुझे मतलब हनुमान जी ने हर शनिवार को मैं बहुत और मंगलवार को आस्था से पूजा करती हूँ तो हर शनिवार मंगलवार को एक दिया हनुमान जी को अर्पित करती हूँ। रात्रि में मुझे और एक खुशी मिली है तो ब्लॉग के एंड में बताऊंगी तो आप लोग बिल्कुल बने रहेंगे। तो चलिए अब पूजा शुरू करती हूँ। बरसाने वाली लाज बचाने वाली नैया भवर से उबारती भवानी हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं छोटा सा परिवार हमारा सुखी बनाए रखना माँ सुखी बनाए रखना माँ। इस बगिया के फूल हमेशा इस बगिया के फूल हमेशा सदा खिलाए रखना माँ सदा खिलाए रखना। सब पे कृपा बरसाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत को सवारती भवानी हम सब उतारे तेरी आरती। तेरा सहारा अम्बे माँ अब तेरा सहारा माँ अब तेरा सहारा माँ। भोर भये दिन चढ़ गया मेरी अम्बे हो रही जय जय कार मंदिर बीच आरती जय माँ। सच्चा दरबारा वाली आरती जय माँ। हे माँ पिंडी रानी और चलिए पूजा करने के बाद सीधे अपने किचन में आ गई हूँ। और आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। देखिए कुकर में पानी चढ़ा दिया है और सारे बोतल है, देखिए ये सब बोतल भी भरना है क्योंकि गर्मी का टाइम रहता है, बहुत सारे बोतल जो है ना डेली भरना पड़ता है। मुझे कढ़ाई धोना और कुकर धोना और बोतल भरना, ये तीन चीज़ मुझे बहुत टफ लगता है लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि जो है ना गैस चूल्हा मेरे पास एक ही है
तो क्या करती हूँ कि गैस को अच्छी तरह से साफ करके अपने लिए जो भी मतलब चाय वाय बनाना रहता है तो सिर्फ मॉर्निंग में तो चाय ही पीती हूँ, शाम में थोड़ा बहुत फल खाती हूँ, दूध नहीं खाती हूँ, दही नहीं खाती हूँ, ये सब मैं बचपन से नहीं खाती हूँ। तो कोई नहीं, और 9 दिन का पूजा माँ का श्रद्धा है और बस हो जाता है। तो दाल चावल बना लूँ और सब्जी सब ले आए हैं, तो सब्जी में देखती हूँ कि क्या बनाना है। और एक बहुत ही खुशी की बात आई है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पहले खाना बना लूँ उसके साथ मतलब जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों आप मेहनत करते हो ना तो उसका जो है ना अगर सक्सेस होते हो और उसका फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी पहली नवरात्र में। तो वो चीज़ है मैं खाना बना लूँ खिला लूँ फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। अष्टमी का कन्या भोजन का भी ब्लॉग आएगा तो आप लोग कंटिन्यू प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बने रहें, और अगर मेरा डेली ब्लॉग अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट्स करें, मैं अपनी डेली रूटीन दिखाऊंगी तो बस आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। तो चलिए बस खाना बना लेती हूँ फटाफट से अपने लिए चाय। तो चावल यहाँ पर हो रहा है, दाल हो ही गया है, और अष्टमी के लिए देखिए सारी सब्जी है और भी सब्जी बनाऊंगी तो जो अभी आया था बेचने वाला तो ये लेकर के आ गए हैं। तो सब सब्जी को सबसे पहले अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ बढ़िया से, और अभी की गोभी अच्छी मिल रही है, और इसके साथ जो है ना नया आलू बनाऊंगी। जैसे नया आलू का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये पुराना आलू छूते भी नहीं है, तो नया आलू बस मेरे यहाँ से 15 दिन पहले से मेरे यहाँ नया आलू आना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा नया आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ, देखती हूँ कौन सब्जी बनता है। टिप्स और बताती हूँ कि जैसे ये मिर्च है ना तो आपकी मिर्च बिल्कुल बाजार जैसी ताज़ी रहेगी, तो कोई भी प्लास्टिक चाहे या आपको शीशे के भी अगर डब्बा रहेगा ना तो इस तरह से आप डाल करके रख दे, महीनों 2 महीना तक बिल्कुल ये ताज़ा रहता है। तो मैं यही टिप्स अपनाती हूँ, और इसको बस कैप लगा करके और रख दे आप, ठीक है। धनिया पत्ते और धनिया के पत्ते भी आप इस तरह से धो करके रख देंगे तो बहुत महीनों तक टिक जाते हैं। तो मैं और यहाँ पे दाल चावल मेरे बन गया है, आज बना रही हूँ आलू बंदा की सब्जी, बच्चों का डिमांड है कि आलू बंदा की सब्जी, काली मिर्च वाली बनाती हूँ, लहसुन प्याज तो नहीं बन रहा है। और फ्रेंड्स मॉर्निंग से जो उठती हूँ रात 12 बज जाता है बिस्तर पे जाने में, और मैंने ये वियर की है मम्मी की साड़ी, और बहुत बहुत 4-5 साड़ी मुझे अपने दे देती थी जब मम्मी का तबीयत खराब रहने लगा था, तो बोलती थी बेटा ले जाओ ना ये साड़ी तुम पे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि चलिए कोई बात नहीं, माँ का भी हम लोग स्वरूप की पूजा करते हैं तो माँ को नहीं देखते आस्था से पूजा करते हैं, इसी विश्वास के साथ अपने मतलब माता पिता की जो है ना इज्जत करें, उससे जो है ना माँ का अगर पूजा भी करते हैं तो बहुत कर्तव्य निष्ठा के साथ करें, तो बस माँ और पिता के सेवा में ही जो है सारा दुनिया है। तो बहुत सारी जिम्मेवारी रहता है फ्रेंड्स, परिवार की इतनी ज़्यादा जिम्मेवारी मतलब है कंधों पर कि कभी कभी घबरा जाती हूँ। तो कहा ना थोड़ा देरी, कभी कभी फ्रेंड्स घबरा जाती हूँ और लगता है कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, बस मम्मी की साड़ी इसलिए पहन ली हूँ कि इतना थोड़ा सा एक मतलब मम्मी की भी जो है ना शक्ति मिल जाए कि परिवार का क्रम और कर्तव्य पूरा करूँ। और सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, दोनों बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और छोटा वाला कभी पार्लियामेंट में मीटिंग है दिल्ली में तो अभी टीवी पे लाइव देखूंगी, तो इससे बड़े क्या है, पैसा एक तरफ और जिंदगी का जो सुकून सबसे बड़ा है वो बच्चों में के खुशी में ही नहीं था, बहुत तकलीफ और संघर्ष के बाद मेरा बच्चा इतना अच्छा बन पाया है। तो जीवन में हार मानती हूँ लेकिन मैं खुद की बहुत बड़ी फाइटर हूँ। आप लोगों को अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आता है तो मैं ब्लॉग के तहत अपनी सारी बातों को भी मैं शेयर करूंगी कि जीवन में कभी भी सुख दुख आए तो बिल्कुल घबराए नहीं, और बस बिल्कुल जिंदगी से जिंदगी में जो दुख करते हैं तो सुख का समय भी आता है, और मैं अपने आप की बहुत बड़ी फाइटर हूँ, अपने आप से लड़ती हूँ, खड़ी होती हूँ, और मैं किसी के बातों में जल्दी नहीं रहती, कोई मुझे अंतरात्मा से पूछती हूँ, माँ के सामने बैठती हूँ और सब चीज़ मेरा जवाब मिल जाता है, उसी के साथ आगे बढ़ते जाती हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मैं बता रही थी कि नवरात्र के फर्स्ट दिन जो है ना मेरा पेमेंट आ गया तो मुझे बहुत खुशी लगा, ये बहुत दिन का पेमेंट था, ऐसा नहीं कि मंथली आया है, और बहुत सारे कोलैबोरेशन अभी मैंने साइन किया है, कोलैबोरेशन तो करती हूँ लेकिन इतना कोलैबोरेशन आया है ना कि मुझे कोलैबोरेशन आया है ना कि अभी मैंने पेंडिंग कर दिया है क्योंकि पूजा का समय है, थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन मैंने साइन किया है, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए कहीं ना कहीं जो है ना पूजा पाठ सफल हो रहा है कि इतना खुशी मुझे मिल रहा है। तो चलिए बस सब्जी बना करके ब्लॉग का एंड करती हूँ, और अष्टमी पूजन आप लोग देखिएगा क्योंकि वर्मा जी बहुत अच्छा बिना लहसुन प्याज के जो है ना अष्टमी भोजन में बनाते हैं सब्जी, बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं और अपने हाथों से कन्या भोजन में मेरी मदद करते हैं, तो आप लोग ब्लॉग तक बने रहेंगे तो